एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति और हिंदू धर्म के लिए दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। आइए तो आपको भारत की संस्कृति के एक ऐसे ही अनोखे धर्म स्थल की ओर लेकर चलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर मथुरा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में मथुरा को मधुपुरी या मधुनगरी नाम से जाना जाता था। मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, जिसकी पहचान वृंदावन के बिना अधूरी है। वृंदा, जिसका मतलब होता है तुलसी, अर्थात तुलसी का वन। कहा जाता है कि श्री कृष्ण राधा रानी संग आज भी यहाँ के कण कण में विराजमान हैं, और यहाँ के राजा हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी, जिनके अनगिनत चमत्कारों की दुनिया दीवानी है और जिनकी एक झलक पाकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्राणाधार श्री बांके बिहारी, जिनकी कहानियां अगर हम सुनाने लगे तो शायद कभी खत्म ही ना हो। क्या आप जानते हैं बांके बिहारी को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है? क्या आपको पता है बिहारी जी कैसे प्रकट हुए? क्यों बिहारी जी के हाथों में बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती? ठाकुर जी की इत्र सेवा ही इतनी जरूरी क्यों है? क्या आप जानते हैं कि बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती? आखिर क्यों यहाँ आरती के समय घंटियां और तालियां नहीं बजती? ऐसे ही ढेरों रोचक सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में। आइए अब हम जानते हैं मंदिर के सेवा अधिकारी से कि बिहारी जी को कब और किसने प्रकट किया। यहाँ एक निधवन है, यमुना जी के तट के पास निधवन, वहाँ पे जो है ठाकुर जी स्वामी हरदास जी वहाँ पे आए थे संन्यास बैराग लेके, तो उन्होंने वहाँ घोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद जो है बिहारी जी महाराज को उन्होंने प्रकट किया। उन्होंने एक भजन गाया था, मायरी सहजोरी प्रकट वही गौर अंग श्याम की, देख छवि बार बार जो है मैं रिजाऊं श्याम को। तो स्वामी जी महाराज ने ये प्रकट करके जो है ये गाना जो है ये भजन के प्रताप से प्रकट किया था। शुरुआत में बिहारी जी का कोई मंदिर नहीं था, वह स्वामी हरदास के साथ ही निधवन में ही रहा करते थे। कुछ समय बाद उनके मंदिर निर्माण के लिए भरतपुर के राजा ने अपना बगीचा स्वामी जी को दान में दिया। निधवन से पहले तो बहुत साल निधवन में ही बैठे हुए थे ये जो है बिहारी जी, निधवन में ही बैठे हुए थे। फिर ये जो है एक जो भरतपुर के राजा थे, तो ये उनका जो है बगीचा था, तो उन्होंने जो है ये बिहारी जी को स्वामी जी को दान में दिया था बिहारी जी का ये मंदिर बनाने के लिए। युगल स्वरूप एक मूरत में, लखों बिहारी जी सूरत में। कहा जाता है कि बिहारी जी के अंदर ही श्री राधा रानी समाहित हैं, इसलिए इन्हें युगल स्वरूप कहा जाता है। स्वामी हरदास जी जो है बिहारी जी का तो श्रृंगार लता पताओं से कर देते थे, जैसे पेड़ तोड़ लाए फल ले आए उनको खिला दिया, पर राधा रानी का 16 श्रृंगार कहाँ से लाते वो। तो इसलिए बिहारी जी से उन्होंने स्वामी हरदास जी ने प्रार्थना की थी, बिहारी जी जो है क्या राधा रानी को अपने अंग में संभालो। तो जब जो है स्वामी जी की प्रार्थना से जो है बिहारी जी ने राधा रानी को अपने अंग में समा लिया, क्योंकि तो पहले जो है ना तो वस्त्र थे ना कुछ था, तो पेड़ पौधों से पत्तों से जो है स्वामी हरदास जी बिहारी जी का श्रृंगार करते थे, फल कंद खिला के उनको जो है। बिहारी जी के अनेक नाम हैं, कोई इन्हें बांके बिहारी कहता है तो कोई कुंज बिहारी। आइए इन नामों का अर्थ जानते हैं। बांके बिहारी का अर्थ यह है कि बांके जो है तीन जगह से टेढ़ा है, टेढ़े को बांका बोलते हैं, तीन जगह से टेढ़ा है टेढ़े को बांका बोलते हैं, इसलिए इनका नाम बांके बिहारी पड़ा। कुंज बिहारी इसलिए नाम है इनका, या कुंजों में विराजमान रहे हैं तो इनको कुंज बिहारी इसलिए बोलते हैं। दुनिया के सभी मंदिरों में दर्शन की शुरुआत मंगला आरती से होती है,
लेकिन बांके बिहारी मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मंगला आरती नहीं होती और यहां ठाकुर जी की सेवा भी किसी नन्हे बालक की तरह की जाती है। मंगला आरती हमारे यहां साल में एक दिन होती है, जन्माष्टमी की रात को। रात को 2:30 बजे जो है मंगला आरती साल में एक दिन होती है। हमारे यहाँ जैसे बच्चे की सेवा होती है ना, इस प्रकार से हमारे यहाँ बिहारी जी की बाल रूप की सेवा है। तो इसीलिए हमारे यहाँ बिहारी जी आराम से सो के उठते हैं सब जगह, और मंदिर 5 बजे 4 बजे खुल जाते हैं। हमारा मंदिर सवेरे 9 बजे खुलता है, सर्दियों में 9 बजे और गर्मियों में 8 बजे। तो बाल रूप की सेवा की वजह से जो है ठाकुर जी को हमारे यहाँ लेट उठाया जाता है, फिर उसके बाद उनको नहलाया जाता है जमुना जल से। नहलाने के बाद उनको फिर तैयार किया जाता है, पोशाक वगैरह श्रृंगार जो भी होता है उनका, वो उनको धारण कराया जाता है। धारण कराने के बाद फिर जो है श्रृंगार आरती होती है। फिर श्रृंगार आरती जो होने के बाद फिर दोपहर में जो है प्रसाद लगता है बिहारी जी का कच्चा भोग। फिर उसके बाद में राजभोग आरती होती है। फिर उनको राजभोग आरती के बाद सुला दिया जाता है। फिर उनके इत्र की मालिश होती है बिहारी जी की। फिर उसके बाद में शाम को जो है 4:30 बजे दर्शन खुलते हैं। पहले जो है उनको नहलाया जाता है, 3 बजे पुजारी आ जाता है अंदर जिसकी सेवा होती है, फिर उनको नहलाते हैं धुलाते हैं, और फिर जो है उनके बाद में उसके बाद में जो इत्र की मालिश होती है, फिर उनको श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार करने के बाद फिर उनका उत्थापन भोग लगता है, जिसको चाट हमारे यहाँ उत्थापन भोग बोलते हैं, जिसमें चाट होती है, पकौड़ी हैं, दही बड़े हैं, टिकियाँ हैं, ये सब होती हैं। फिर उसके बाद में 4:30 बजे दर्शन खुलते हैं। फिर दर्शन खुलने के बाद फिर जो है हमारे यहाँ जो है 7:30 बजे वो है शाम को भोग आता है। इनके भी दिनचर्या अलग अलग है, गर्मी का अलग टाइम है और सर्दी का अलग टाइम है। तो इस समय सर्दी का टाइम चल रहा है, तो शाम को 7:30 बजे भोग आता है। बिहारी जी भोग खाते हैं, समोसे हैं, कचौड़ी हैं, सादा पूड़ी हैं, नमकीन पूड़ी हैं, दूध भात है, रायता है, सब्जी हैं, ये सब खाते हैं। और दूध भात हमारे बिहारी जी को बहुत प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है दूध भात। तो दूध भात का हमारे यहाँ दोनों टाइम भोग लगता है बिहारी जी का। बाल स्वरूप की हमारे यहाँ सेवा है, तो बच्चा के सामने घंटी या ताली बजाओगे तो बच्चा डरता है, इसीलिए हमारे यहाँ घंटी और जो है ताली नहीं बजती है आरती के समय। जैसा कि मंदिर के सेवाधिकारी ने बताया कि बिहारी जी यहाँ बाल स्वरूप में हैं, इसलिए इनकी मालिश इत्र से की जाती है ताकि वे हमेशा सुगंधित रहें। जैसे बच्चे की तेल से मालिश होती है ना, तो इसीलिए बिहारी जी की जो है तेल से मालिश नहीं करके इत्र से मालिश होती है, क्योंकि इत्र में खुशबू रहती है, इसलिए बिहारी जी को खुशबू देने के लिए इत्र की मालिश होती है। सर्दियों में जो है हिना और केसर का इत्र लगता है, और गर्मियों में जो है गुलाब और खसका इत्र लगता है बिहारी जी को। इत्र सेवा हमारे यहाँ हाथों से जो है उनके जो है अल्प तरीके से जो है पैर दबाए जाते हैं ठाकुर जी को, हाथ में इत्र लेके दोनों हाथों से जो मालिश करके फिर बिहारी जी को यो करके जो है उनके पैरों की सेवा की जाती है, पैर दबाए जाते हैं। तो बिहारी जी के पूरे अंग की मालिश होती है, सब उतार देते हैं, कुछ नहीं अंगूठी वगैरह, क्योंकि बाल रूप है ना, बच्चे को लगे नहीं। श्री कृष्ण का जन्मदिन तो सारी दुनिया को पता है, जन्माष्टमी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठाकुर श्री बांके बिहारी का जन्मदिन कब आता है? बिहार पंचमी में बिहारी जी प्रकट हुए थे वहां से, निधवन से, निधवन से बिहारी जी बिहार पंचमी को प्रकट हुए थे, तो इसलिए बिहारी जी को जो है जन्मदिन बिहार पंचमी को मनता है। और जन्माष्टमी को कृष्ण भगवान बने थे, तो इसलिए जन्माष्टमी को जो है क्या है बिहारी जी की मंगला आरती रात में, इसीलिए साल में एक बार होती है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी बड़े ही मनमोहक और चंचल हैं, इसलिए बार बार पर्दा लगाकर इन्हें भक्तों की नजरों से बचाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। बार बार पर्दा इसलिए आता है हमारे यहाँ, एक तो बिहारी जी बाल रूप की सेवा है हमारे यहाँ, बच्चे को नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो इसीलिए बार बार हमारे यहाँ पर्दा आता है कि किसी की नज़र नहीं लग जाए। और एक बार जो है क्या थोड़ा पर्दा ज़्यादा देर खुला रह गया था, तो एक भरतपुर के रानी थी, उनकी इनकी नज़र से नज़र दृष्टि मिल गई थी, तो ये उनके साथ जो है चल दिए थे। तो ये आकर्षक जो है ठाकुर जी हमारे आकर्षक करते हैं, तो इसलिए ये बार बार जो है पर्दा आता है।
वैसे तो यहाँ प्रत्येक दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता, लेकिन यहाँ के कुछ मुख्य उत्सवों में साल का पहला महोत्सव वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी से होली का डाणा गड़ता है, तो उस दिन हमारे यहाँ होली शुरू हो जाती है गुलाल की। गुलाल पड़ता है, जो है लाल गुलाल, हरा गुलाल, पीला गुलाल, नीला गुलाल, ये सब जो है गुलाबी गुलाल, ये इससे होली खेलते हैं बिहारी जी। हमारे यहाँ दोनों टाइम रंग और गुलाल की खूब होली होती है। और धुलेरी वाले दिन नहा धो के बिहारी जी महाराज सोने चांदी के फूल डोल में बाहर बैठते हैं बिहारी जी, सवेरे भी और शाम को भी दोनों टाइम। बिहारी जी के चरणों के दर्शन करना आसान नहीं है, क्योंकि चरणों के दर्शन साल में सिर्फ एक ही दिन होते हैं। होली के बाद अक्षय तृतीया आती है, उस दिन बिहारी जी के साल में एक दिन चरण दर्शन होते हैं। जो है उस दिन जो है ठाकुर जी को पाजेब के दर्शन होते हैं और चरण चौकी के दर्शन होते हैं और चंदन के गोला के दर्शन होते हैं। जो रोजाना चरणों में चंदन चढ़ता है ठाकुर जी के, तो रोज तो दर्शन नहीं होते हैं, तो साल में एक ही दिन होते हैं, चंदन के गोला के, चरण चौकी के और जो है पाजेब के। इन तीन चीज के दर्शन होते हैं साल में एक बार। अक्षय तृतीया के बाद गर्मी के मौसम में ठाकुर जी को शीतलता देने के लिए पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। फूल बंगले जो है एकादशी से शुरू होते हैं, नवदुर्गा के बाद चैत में जो एकादशी आती है उससे फूल बंगले शुरू होते हैं, उससे लेके हरियाली अमावस्या तक फूल बंगले चलते हैं। ये जो है गर्मी की वजह से जो है बिहारी जी को जो है गर्मी लगती है, तो ठंडक देने के लिए फूल बंगले बनते हैं। साढ़े तीन महीने 107 फूल बंगले बनते हैं। सावन के महीने में झूले का बहुत महत्व होता है, जिसके चलते बिहारी जी भी भक्तों को सोने चांदी के झूले में दर्शन देते हैं। हरियाली तीज को जो है बिहारी जी महाराज का झूला पड़ता है, सोने चांदी का झूला। जो है सावन का महीना है, सावन के महीने में जो है झूले का महत्व है, तो जो है झूला पड़ता है जो है ठाकुर जी को, सोने चांदी का पूरा झूला पड़ा हुआ है। बिहारी जी एकदम बाहर आ जाते हैं, जो जो सामने आप देख रहे हैं ना जगमोहन, इससे भी ज़्यादा बाहर आ जाते हैं, तखत लगते हैं पूरे। तखत लगने के बाद जो है बिहारी जी बाहर बैठते हैं, पूरा सोने चांदी का जो है पूरा हिंडोला बनता है, बहुत बड़ा है। जो विश्व में ऐसा कहीं भी नहीं है जो है झूला, बनारस का जो था वो कारीगर ने बनाया था, बनारस के कारीगर ने, और बनवाया था हरगोलाल सेठ जी ने। ये जो है सारी शीशम की लकड़ी है और इसमें ऊपर सोने चांदी का सब जो है, अंदर इसमें सारी शीशम की लकड़ी है। ये यहाँ पे देरी पूजन हो रहा है, इसको जगमोहन बोलते हैं हम। यहाँ पे जो देरी पूजन हो रहा है, ये सामने बिहारी जी के गर्भगृह के बाहर, इसको हम जगमोहन बोलते हैं। ये जगमोहन सारा पत्थर का था, तो इसमें जो है सब भक्त लोगों ने चांदी मढ़वाई है सब। ये अभी मढ़ी है, कोई इसको 5-7 साल हुए हैं। ये सब भक्तों ने जो है यहाँ के जो जितने भक्त हैं गोस्वामियों के, उन्होंने ही सब ये चांदी मढ़वाई है। वैसे तो बिहारी जी निधवन में रोजाना ही रास करते हैं, लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन बिहारी जी मंदिर में भी रास करते हैं। राधा अष्टमी को स्वामी हरदास जी का जन्म हुआ था 1535 में, राधा अष्टमी वाले दिन। तो राधा अष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ जो है स्वामी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, तो जन्मदिन में हमारे यहाँ साल में एक बार रास होता है। यहाँ मंदिर में ही रास होता है 2 घंटे के लिए, जब राजभोग आरती हो जाती है उसके पश्चात रास होता है हमारे यहाँ। साल में बिहारी जी सिर्फ एक ही दिन अपने हाथों में मुरली धारण कर महारास करते हैं। बिहारी जी बांसुरी इसलिए नहीं पकड़ते हैं, उनका बाल रूप का स्वरूप है, बांसुरी जो है भारी होती है, तो इसलिए उनको पकड़ने में परेशानी होती है, तो इसीलिए साल में एक ही दिन वो धारण करते हैं, जिस दिन महारास होता है। और महारास का मुकुट साल में एक दिन पहनते हैं और एक ही दिन जो है बांसुरी धारण करते हैं बिहारी जी, शरद पूर्णिमा वाले दिन उसी दिन महारास का बड़ा वाला मुकुट पहनते हैं। वैसे तो मुकुट रोज पहनते हैं, और उसके बाद में जो है उस दिन जो है शरद पूर्णिमा वाले दिन जो है बंसी धारण होती है बिहारी जी को, और महारास का मुकुट पहनते हैं। वैसे बंसी जो है उनके चरणों में रखी रहती है। आइए जानते हैं बिहारी जी के चंदन कोठरी और बगीचे के बारे में। ये जो है चंदन वाली कोठरी में सिर्फ गोस्वामी लोग जा सकते हैं, और कच्ची जो रसोईयां सब अपने हाथ से गोस्वामी बनाते हैं जब बिहारी जी को भोग लगता है,
क्योंकि वो जो है सकरा माना जाता है, उसको अपरस में जो है बनती है सर, और अपरस में जो है उसमें जो है 10 प्रकार के आइटम बनते हैं। 3 तरह के चावल है, कढ़ी है, रोटी है, मिस्सी रोटी है, और जो है रायता है, दूध भात है, खीर है, और आलू की सब्जी है, सूखी सब्जी है। ये सब जो है कच्चे प्रसाद में बिहारी जी को रोज़ भोग लगता है। और जो है बिहारी जी के बगीचे से वहाँ फूल आते हैं, वहाँ से जो है शुरू से वहीं से आते हैं, वहीं से शुरू से चढ़ते हैं। अब तो वैसे बहुत बगीचे हो गए, बहुत आ गए, वो सब जो है चढ़ने लगे हैं। वैसे जो है बिहारी जी के बगीचे से फूल आते हैं, अब भी आते हैं, और अब भी बिहारी जी को कोई फूल चढ़ते हैं। गर्मियों में बिहारी जी की जो फूलों की पोशाक बनती है फूल बंगलों में, वो भी वहीं से फूल आते हैं। कली है जो है, कन्नेर है, ये सब जो है वहीं से फूल आते हैं। बिहारी जी की वस्त्र बनते हैं, वो पोशाक पहनते हैं बिहारी जी। गर्मियों में पोशाक हैं, मुकुट हैं, सब फूलों के पहनते हैं, फूल बंगले में। और इसी तरह साल का अंतिम महोत्सव होता है श्री श्री ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्योत्सव बिहार पंचमी। बिहार पंचमी को जो है स्वामी जी महाराज ने बिहारी जी महाराज को प्रकट किया था, तो स्वामी जी महाराज जो है बिहारी जी को वहाँ से जो है निधवन रात से बधाई देते हुए आते हैं। फिर यहाँ जब सवारी आ जाती है स्वामी जी महाराज की, तो तब जो है एक साथ फिर जो है प्रसाद पाते हैं बिहारी जी और स्वामी जी बिहार पंचमी वाले दिन। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। बोल बांके बिहारी लाल की।